चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और वजह है बाबूलाल चौरसिया, जिनके कांग्रेस में प्रवेश पर अब बवाल लगातार जारी है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरुण यादव के बाद अब माणक अग्रवाल ने भी इस फैसले पर विरोध जताया है। कमलनाथ के फैसले पर माणक अग्रवाल ने सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि कमलनाथ बताएं उनकी विचारधारा गांधीवादी या गोडसेवादी। हिंदू महासभा के बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री हुई और एंट्री के साथ साथ विरोध भी इस एंट्री के साथ आया है कांग्रेस में। बाबूलाल चौरसिया खुद कांग्रेस में आए और अपने साथ में विवाद भी लाए। पहले अरुण यादव ने उनकी कांग्रेस एंट्री पर सवाल उठाए और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल ने भी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने पर सवाल उठाए हैं। और माणक अग्रवाल ने तो यह भी सवाल पूछ लिया कि कमलनाथ बताएं उनकी विचारधारा गांधीवादी है या गोडसेवादी। हिंदू महासभा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले बाबूलाल चौरसिया को लेकर लगातार कांग्रेस में विवाद चल रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल ने भी कहीं ना कहीं बाबूलाल चौरसिया की एंट्री पर निशाना साधा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किए हैं। हमारे साथ माणक अग्रवाल जी मौजूद हैं, सीधे उनसे पूछेंगे। सर, आपने भी ट्वीट किया और आपने कमलनाथ जी से पूछा है कि आप स्पष्ट करें कि आप गांधी जी की विचारधारा के साथ है या गोडसे की विचारधारा के साथ। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी स्पष्ट करें कि वो गांधी जी की विचारधारा के साथ हैं या गोडसे की विचारधारा के साथ हैं। यदि वो गांधी जी की विचारधारा के साथ हैं तो बाबूलाल चौरसिया को पुनः वापस भेज दें, उनको पार्टी के अंदर नहीं रखें, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि बाबूलाल चौरसिया की एंट्री कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा है तो गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा के लोगों से वो ताल्लुकात क्यों रखते हैं, उनको बाहर करना चाहिए गोडसे की विचारधारा के, या फिर वो स्वयं भी गोडसे की विचारधारा में शामिल हो जाएं। सर, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता को परिवर्तन कर आता है तो उसका स्वागत होता है। भाई, मानसिकता को परिवर्तन करके आने वाले का तो हमेशा ही स्वागत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहाँ गोडसे का आदमी, गोडसे का चपड़ासी, गोडसे का मंदिर बनवाया, गोडसे की पूजा करता था और खुलेआम कहता था मैं गोडसे की पूजा करता हूँ, मंदिर बनवाया वहाँ पर, गोडसे के नाम से पूरी राजनीति करता था, उस आदमी को आप कांग्रेस के अंदर प्रवेश दे रहे हो? जिस तरह से आपने बयान दिया है, आप जाहिर सी बात है ये स्पष्ट जरूर होगा कि एक बड़ा एक्शन आपके ऊपर भी कर सकती पार्टी। देखिए, मैं AICC का मेंबर हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कुछ करने का अधिकार नहीं है। मैंने सारी बातों से AICC को अवगत करा दिया है। किसी प्रकार की अंतर्कलह तो नहीं पार्टी के? कोई अंतर्कलह नहीं है पार्टी के अंदर, पूरी पार्टी यूनाइट है और 2023 के अंदर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।